दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जो युवा दोस्तों इंडियन नेवी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने अपनी नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। अगर दोस्तों आप भी इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन नेवी की वो भर्ती कौन सी है। दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखकर पेटीएम कैश कमाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे डेली क्विज में हिस्सा लें और दोस्तों नए नए क्वेश्चनों का आंसर दें। तो दोस्तों आज डेली क्विज का क्या क्वेश्चन है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यह रहा हमारी जीके का वो क्वेश्चन जिससे आप दोस्तों पेटीएम कैश कमा सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सफेद हाथियों को देश किसे कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और अपना राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों अगर आपने इसका राइट आंसर दे दिया तो आप जीत सकते हैं दोस्तों 1000 रुपये तक। जी हां फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे दोस्तों आप जीत सकते हैं 1000 रुपये तक पेटीएम कैश। चलिए दोस्तों बताते हैं इंडियन नेवी की भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ उस वेबसाइट पर जहाँ पर दोस्तों इंडियन नेवी का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों वह वेबसाइट है सरकारीरिजल्ट.com। दोस्तों 100% ये दोस्तों बिल्कुल सही वेबसाइट है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सी वेबसाइट है तो आप दोस्तों इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर स्टूडेंट इस वेबसाइट पर ही नई भर्ती देखता है और देखता है कि कौन सी नई भर्ती अभी फिलहाल चल रही है। तो दोस्तों यह भाई 100% राइट वेबसाइट है जिस पर दोस्तों आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि नई भर्ती कौन सी आई है इंडियन नेवी की। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में ऊपर लिखा हुआ है इंडियन नेवी SSR अगस्त 2020 बैच ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इंडियन नेवी की कितनी पोस्ट आई हुई है। ये देखिए दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और आपके सामने ये खुल चुका है। ये देखिए दोस्तों खुल चुका है और देख ऊपर देख सकते हैं दोस्तों अभी दोस्तों 4 नवंबर 2019 की खबर है। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों अभी बिल्कुल नया अपडेट आया है दोस्तों 4 नवंबर 2019 को। चलिए दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं और आपको पूरी जानकारी के साथ बताते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों इंपोर्टेंट डेट है इसकी 8/11/2019 और इसको दोस्तों 8/11/2019 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जी हां फ्रेंड, 8/11/2019 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 18/11/2019। केवल दोस्तों 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको, 18/11/2019 इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस है इसकी 205 रुपये। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 205 रुपये पे करने पड़ेंगे और एससी एसटी के लिए दोस्तों कोई फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों बात करें इसकी एग्जाम डेट की तो इसकी एग्जाम डेट फरवरी 2020 में होगी। जी हां फ्रेंड्स, इसका एग्जाम है जो वो 2020 में फरवरी में होगा। दोस्तों बात करें पोस्ट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों पोस्ट है 2700 पोस्ट। वैकेंसी डिटेल की बात करें दोस्तों टोटल 2700 पोस्ट है। और दोस्तों बात करें योग्यता की तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी जो यहां पर दी हुई है वो है दोस्तों 10+2। जी हां फ्रेंड, 10+2 इंटरमीडिएट दोस्तों पास होना चाहिए और एग्जाम विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट के नाम भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों आप पोस्ट के नाम से पढ़ सकते हैं कि कितनी किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। दोस्तों यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में देखिए दोस्तों कितनी पोस्ट निकली है, 2200 पोस्ट निकली है। दोस्तों पहले नंबर पर जो पोस्ट का नाम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दोस्तों टोटल 2200 पद हैं और दोस्तों नीचे जो पोस्ट है इसमें दोस्तों 500 पद हैं। तो आप जिस पोस्ट में ज़्यादा पद हो उसमें इसमें आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। और बात करें एज लिमिट की तो दोस्तों एज लिमिट है 1/8/2000 से 31/7/2003 तक। दोस्तों आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं एज लिमिट दोस्तों यहां लिखी गई है 1/8/2000 से दोस्तों 31/7/2003 तक आप इसे भर सकते हैं अगर आपकी जन्मतिथि इतनी है तो। तो दोस्तों ये थे इंडियन नेवी के बारे में कुछ जानकारी। अगर दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और दोस्तों रनिंग जो टाइम है वो है दोस्तों 1600 मीटर 7 मिनट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप रनिंग 1600 मीटर मारना है दोस्तों रनिंग को और 7 मिनट मिलेंगे आपको। दोस्तों 1600 मीटर रनिंग है और दोस्तों आपको मिलेंगे 7 मिनट दोस्तों। और इसमें पुशअप की बात करें तो दोस्तों 10 टाइम आपको पुशअप लगानी है। दोस्तों 10 टाइम आपको पुशअप लगानी है।
और दोस्तों उठक बैठक की बात करें तो दोस्तों 20 टाइम आपको उठक बैठक लगानी है। ये है दोस्तों आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी। दोस्तों आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसे करने में, क्योंकि दोस्तों 1600 जो मीटर की रेस होती है वो दोस्तों 7 मिनट में हर कोई लगा लेता है अगर आप फिजिकली फिट हैं तो। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप इसको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से आप भर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों 14/11/2019 को, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों आप इसे 14/11/2019 में अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज इंडियन नेवी के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये न्यूज पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पेटीएम कैश सीधा चाहते हैं तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया है तो दोस्तों मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कौन पेटीएम कैश जीत रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।